तो क्यों मज़ा नहीं आया ना, मतलब साइलेंट साइलेंट सा सब कुछ, ना शोर ना कुछ, ना बाइक की आवाज़। चलो गाना ही सुन लेते कम से कम, कुछ तो सुनने को मिलेगा। चलो सुनते हैं दोस्तों। Rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting. The song is dedicated to you. Okay, she can never seen the night. देखो आप लोग उनको बोलोगे कि बीच में क्यों आ गए गाने के, माफ़ करना। तो ये इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कैमरा के एंगल में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, तो मेरे को बिल्कुल सही लग रही है। कैमरा का एंगल बहुत बेकार है। रीज़न क्योंकि मैं माउंट कर पा रहा था अपने कैमरा को, बट वो कैमरा माउंट नहीं हो पाया ढंग से। तो मैं जब घर आया, मैंने घर आके देखा तो कैमरा का वो था, एंगल कुछ नहीं था। तो आप लोग गाना सुनो, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। Okay, she can never see the night. And I don't mind, cause I'm cute and right. I'm lost to the God, I'm in my mind. Swear I wanna die, yeah, when you cross my mind. I wanna die, yeah, no, I'm not a riot, yeah. I might start a riot, yeah. I'm so fucking tired, yeah. So what's up, what you say? Feeling good, I'm feeling great. Tired of the fucking hate, stacking cheese all on my plate. तो अभी कर लिया हमने आधा रास्ता क्रॉस और अब हम पहुंच गए थोड़ा सा आगे। तो कैमरे का बताया जाता हूँ, मैंने कैमरा मंगाया, ऑर्डर किया, माउंट किया, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि एक दिन था राइड का, चेक करने का टाइम नहीं मिला। बट जैसे ही मैंने कैमरा माउंट किया, उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी, मुझे सेटिंग समझ नहीं आ रही थी कि वाइड एंगल कहाँ से बढ़ाऊँ। वाइड एंगल बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं मिला है मेरे को जब, तो मैंने इसे काम चलाया, कोशिश की इसको मैं थोड़ा और बेंड कर सकूँ ताकि आगे का व्यू आए। तो जहाँ मेरे व्यू लेने के लिए मेरे को हेलमेट बिल्कुल ऊपर की तरफ करना पड़ रहा था, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा था राइड करने के लिए। मैं प्रॉपर हेलमेट से बाहर नहीं देख पा रहा था। बीच में मैंने कोशिश की तो मैंने सोचा कि चलो अभी के लिए ऐसा हो कि नेक्स्ट टाइम कुछ बढ़िया वीडियो बनाएंगे। तो बस थोड़ा एंगल को ठीक करने की कोशिश रही पूरे राइड में, लेकिन नहीं हो पाया। तो घर आ गया, पता लगा कि मैंने स्लो मोशन को 1080x60fps कर रखा था, जिसकी वजह से कैमरा एंगल नहीं ठीक आ रहा था। उसको करने के बाद भी ज़्यादा वाइड एंगल नहीं मिला, तो टोटली एज ए कैम 4000 लेना इतना ठीक नहीं है। आपको वाइड एंगल का प्रॉब्लम आ सकता है, मेरे को एक बार इसका एंगल ठीक करना पड़ेगा, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। तब तक दूसरा गाना सुनो, अच्छा है चूज़ करके रखा है स्पेशली राइड के लिए। और अगर कैमरा छोड़ो, मैं कुछ और बात कर रहा था अभी, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको गाना अच्छा लग रहा है तो
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाना अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनना चाहते हो बाद में, तो मैं डाउनलोडिंग लिंक नीचे दे दूँगा, कौन सा गाना है, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं बाद में, आप पहले गाना सुनो, मज़े लो, राइट के थोड़ा सा लुत्फ़ उठाओ, मिलते हैं आपको। मैं जब भी वीडियो को बार बार चेक कर रहा हूँ तो भाई मेरे को इसी चीज़ का अजीब सा लग रहा है देख के कि वाइड एंगल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अभी तक वाइड एंगल में बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब वीडियो अपलोड करने का सच में मन नहीं कर रहा है, बट करनी पड़ेगी क्योंकि यार देखो अगर मैं वीडियो अपलोड करनी बंद कर दूँगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मतलब थोड़ा सा तो होना चाहिए यार, एक बढ़िया जगह गए हैं तो मेरा बस दिल कह रहा है कि कर दे अपलोड, कोई दिक्कत नहीं, जो अपने प्यारे लोग हैं सब देखेंगे, सपोर्ट दो यार, ज़रूरत है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट कैमरा में शायद ऑर्डर कर दूंगा बहुत जल्दी, तो उसमें देखते हैं अगर मेरे को वाइड एंगल किसी और कैमरे में अच्छा मिल रहा है, फिर प्रॉपर सेटिंग कर पाऊँ। तो नेक्स्ट राइड के लिए बहुत जल्दी जाने वाले कहीं पे, जगह मैं अभी भी डिस्क्लोज नहीं करूँगा जगह कौन सी है। तो बैटरी ख़त्म हो गई थी इसकी, तो बैटरी चार्ज किया फ़ोन पे, मतलब अपना जो फ़ोन माउंट है वो उसमें लगा के चार्जर पे बाइक वाले। तो पेट्रोल भी ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं फिर चलते हैं आगे, और आगे थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, फिर डायरेक्टली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज मुझे नहीं पता है कितना ज़्यादा चलेगा, तो इसको मैं कंटिन्यूसली रखूँगा, इसको स्किप नहीं करूँगा वीडियो को बीच में। तो चलो देखते हैं आगे।
भाई लोग, सब लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो वीडियो को। इसी तरह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धीरे चलाएं बाइक, तेज चलाना है तो सेफ चलाएं। छोटा सा मैसेज है, अगर इस राइड पे जो जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व कर दी है थोड़ी सी बता देता हूँ। एक तो प्रॉपर राइडिंग गियर से आता है कि रोड बहुत स्लिपरी है, इसीलिए मशीन में नहीं जा पाया। दूसरी चीज़, जिस काम के लिए आया था मैं हैंड गार्ड के लिए, वो डल चुके हैं। अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, लेकिन थोड़ा मतलब बहुत प्रॉपर राइडिंग गियर से आता है क्योंकि कट्स बहुत ज़्यादा है और आपको थोड़ा सेफली आना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब वो लापरवाही अगर आपकी छोटी सी हुई तो पूरी जान भी गवा सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, अभी लेते हैं आपसे अलविदा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।